गोरखपुर विश्वविद्यालय और भारतीय शिक्षण मंडल गोरक्ष प्रांत के संयुक्त तत्वावधान में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 अकादमिक समुदाय द्वारा जागरूकता का सृजन विषयक पर विश्वविद्यालय के संवाद भवन के सभागार में कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ मुख्य अतिथि भारतीय शिक्षण मंडल गोरक्ष प्रांत के महासचिव उमा शंकर पचौरी ने किया। उन्होंने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि भारत पवित्र भूमि है, जहां संतों ने आध्यात्म के बल पर वर्षों के अनुसंधान के बाद जीवन की आधारशिला के प्रतिमान स्थापित किया। इसी मार्ग को नई शिक्षा नीति भी उजागर करती है। योजना पूर्वक अंग्रेजों ने हमारी शिक्षण व्यवस्था में प्रशिक्षण, कार्यशाला, वर्कशॉप जैसे शब्दों को डाला, ये हमारे इतने अंदर तक बैठ गया कि इसके बिना काम नहीं चलता है। हमारा ऐसा मानना है कि प्रशिक्षण केवल जानवरों को दिया जा सकता है जिनके पास सीमित विकल्प होते हैं। एक मानव के पास किसी बिंदु पर अनंत विकल्प होते हैं, इसे देखते हुए ही आनंदशाला की जरूरत पड़ती है। नई शिक्षा नीति भी इसी व्यवस्था पर फोकस करती है। इस अवसर पर गोरखपुर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर राजेश कुमार सिंह, देवेंद्र पवार, आचार्य विनय सिंह सहित अन्य लोग मौजूद रहे। जो राष्ट्रीय सरकार कोष अध्यक्ष भारतीय शिक्षा मंडल है, वो लेना चाहती है। 1999 में निवेदिता विद्यालय काशी में पूजनीय आचार्य राजेंद्र सिंह जी उर्फ रज्जू भैया से मिलने में गया था। जब मैं गया तो काशी के प्रांत प्रचारक जी ने कहा कि कौस्तुभ आया है, 2 मिनट मिलना चाहता है, उसकी पीएचडी हो गई है, आपका आशीर्वाद लेना चाहता है। जब मैं उनके पास बैठा तो उन्होंने मेरे पीएचडी का टॉपिक पूछा, मैंने बताया, फिर उन्होंने दीनदयाल जी के विषय का उल्लेख करते हुए कुछ बातें जो बताया उसके संबंध में मैं संक्षेप में चर्चा करना चाहता हूँ। उन्होंने जो शब्द प्रयोग किया कि देश के आजाद होने के बाद देश ने मिश्रित अर्थव्यवस्था लागू किया, गुट निरपेक्षता की नीति का पालन किया जिसकी कोई आवश्यकता नहीं थी, भारत को भारत के हिसाब से आरंभ करना चाहिए था, गुट निरपेक्षता की कोई आवश्यकता इसलिए नहीं थी कि पूंजीवाद और साम्यवाद को आप एक साथ मिलाकर नहीं चल सकते, जब भी आप मिलाकर चलेंगे तो आप धोखा खाएंगे, आप गलत मार्ग पर जाएंगे और अपनी मूल बात से भटक जाएंगे। उन्होंने दूसरी बात कहा, किसी भी देश को चलाने के लिए शिक्षा नीति, अर्थ नीति, सुरक्षा नीति और विदेश नीति, इन 4 नीतियों की जरूरत होती है। ये नीतियां स्पष्ट होनी चाहिए, जन जन में या जो भी जागरूक नागरिक वृंद है उस सब के संज्ञान में होना चाहिए, उसके मुख्य बातों को सबकी जानकारी में होना चाहिए, सुस्पष्ट होना चाहिए। यदि देश ने पंचवर्षीय योजना लागू किया, उसका अनुसरण किया, उसकी व्यवस्था को स्वीकार किया, तो क्या इन 4 प्रकार की नीतियों का समेकित मूल्यांकन प्रत्येक 5 वर्ष पर इस देश में किया गया? क्या प्रत्येक 5 वर्ष में इसके लिए एक विशेष कार्यबल का गठन किया गया? क्या प्रत्येक 5 वर्ष में इन नीतियों में जो भी परिवर्तन या परिमार्जन हुआ उसको लोगों को बताया गया, समझाया गया, लोगों को जागरूक किया गया?
क्या आने वाली पीढ़ियों को उसके अनुसार आचरण और व्यवहार करने के लिए प्रेरित किया गया? यदि ऐसा नहीं किया गया तो इसका मतलब है कि हमने गुटनिरपेक्षता की नीति और मृत्युस्थिरता अर्थव्यवस्था देश में लागू किया, वह गलत मार्ग पर भटक गया। उन्होंने कहा कि दीनदयाल जी ने कहा कि जो भारतीय है उसको युगानुकूल बनाना चाहिए, जो अभारतीय है उसको देशानुकूल बनाना चाहिए, और युगानुकूल और देशानुकूल बनाकर उसका उपयोग करना चाहिए। क्या हमने गुटनिरपेक्षता की नीति का पालन किया, वह देशानुकूल था नहीं था? यदि हमने मिश्रित अर्थव्यवस्था का पालन किया तो क्या वह देशानुकूल था नहीं था? उन्होंने कहा कि जब भी हम पूंजीवाद और साम्यवाद को मिलाकर चलने की कोशिश करेंगे, एक तीसरा मार्ग ढूंढने की कोशिश करेंगे, तब तब हम भ्रमित होंगे और भारत की अर्थव्यवस्था सनातन काल से, पुरातन काल से, चिरंतन काल से कभी भी मुद्रा आधारित विनिमय प्रणाली की नहीं रही है। भारत हमेशा वस्तु आधारित विनिमय प्रणाली की अर्थव्यवस्था का पोषक रहा है, और इस नाते यहाँ महंगाई का संकट, यहाँ मुद्रा स्फीति का संकट, यहाँ कर्ज का संकट जैसा विषय खड़ा ही नहीं होता कभी। वाली वो जीवन
ईयर उसको ट्रेनिंग नहीं दी जा सकती।